म्यूजिक। ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो दोस्तों इस तरह के 3D इफेक्ट वाली स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इसी एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स का यूज मैंने किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, देन उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद चलेंगे फोन के स्क्रीन पर, ओपन करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन को और एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को सजेस्ट जरूर कीजिएगा ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ क्रिएट न्यू का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स 916 का एसओ सेलेक्ट कीजिएगा, देन यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर लीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इमेज वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, एक ब्लैक वाला इमेज सेलेक्ट कीजिएगा। देन इसके लेंथ को आपको लमसम 30 सेकंड तक कर लेना, क्योंकि नॉर्मली जो हम स्टेटस बनाते हैं 30 सेकंड का ही बनाते हैं, तो 30 सेकंड तक कर लीजिएगा। इसके बाद स्टार्टिंग में आइएगा, राइट क्लिक कीजिए, लेयर्स वाले ऑप्शन टैप कीजिए, मीडियम जाइए। मीडियम जाने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड में चले जाना है। और फ्रेंड्स बैकग्राउंड इमेज जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बट अगर दूसरा कोई यूज करना चाहे तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे इस तरह से जूम कर लीजिएगा और इसे सेंटर में इस तरह से सेट कर लीजिएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन इसके लेंथ को लेकर आपको लास्ट तक कर देना परफेक्टली, जितना टाइम का आप स्टेटस बना रहे हो उतना टाइम इसे कर लीजिए एकदम लास्ट तक, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्टिंग में जाइए, फिर से राइट क्लिक कीजिए, लेयर्स वाले ऑप्शन टैप कीजिए, मीडियम जाइए। उसके मीडियम देने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड में चले जाना है। ऑफेंस जो रेड ट्री वाला दिया है मैंने आपको, दो ट्री वाला दिया है, तो आप दोनों में से जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। तो इस ट्री वाले इमेज को ले लेना है, देन इसे इस तरह से जूम कर लेना है, ठीक है। इतना जूम कीजिएगा कि यहाँ नीचे तक इसका जो तना है ये नीचे से लेकर इतना तक रहा है, इस तरह से रहे, इतना जूम कीजिएगा। तो थोड़ा और जूम करते हैं इसे हम, और ये देख सकते हैं इतना इतना पे ही रहेगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पे रखते हैं इस तरह से इस साइड में, और इसके लेंथ को लेकर लास्ट तक कर लेंगे परफेक्टली, जितना टाइम का स्टेटस है उतना टाइम कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा, हल्का सा आगे कर लीजिएगा नहीं तो ये एनिमेट नहीं होगा, और यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा। अब इसे इमेज को PNG जो हम यूज किए पेड़ वाला इसको एनिमेट करेंगे, तो इस साइड में स्क्रॉल कर लीजिएगा इस तरह से, और फिर यहाँ पर जो पेड़ का डाल आ रहा है तो डाल जहाँ तक स्क्रॉल कर रहा है वहाँ तक आप कर सकते हैं, जहाँ तक आप करना चाहें तो यहाँ तक सही लग रहा है, ठीक है। इतना तक हम कर लेते हैं इसे, तो अभी आप इसे जब प्ले कीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, 3D में एनिमेट हो रहा है। इसके बाद स्टार्टिंग में एक राइट क्लिक कीजिए, लेयर्स वाले ऑप्शन टैप कीजिए, मीडियम जाएगा। उसके मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है, और फिर डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे जो हंस वाला PNG मैंने आपको दिया इसे ले लीजिएगा, और इसके लेंथ को भी लेकर आपको लास्ट तक कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक लास्ट तक कर लीजिएगा और इसे एकदम बराबर में रख लीजिएगा इस तरह से, और फ्रेंड्स इसे यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे सेट कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। और फिर यहाँ पे आ जाइएगा लास्ट में, एकदम लास्ट में डिलीट बटन के ऊपर की के ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, यहाँ प्लस कर लीजिएगा और इसे भी एनिमेट कीजिएगा, तो इसे लास्ट तक गायब कर दीजिए इस तरह से, स्क्रॉल करके इसे लास्ट में गायब कर दीजिए, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी तरह से हो चुका है। अब इसके बाद फिर से आपको स्टार्टिंग में जाना है, उसके स्टार्टिंग में राइट क्लिक कीजिए, लेयर्स वाले ऑप्शन टैप कर लीजिए, यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। सो इस मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है, या फिर आप PNG में से कोई यूज करना चाहते हो तो इस तरह का एक इमेज यूज कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इस तरह से, यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया तो इसे थोड़ा कम करते हैं, देन यहाँ पे इसे इस तरह से रखिएगा यहाँ पे, और फ्रेंड्स इसके लेंथ को लेकर आपको लास्ट तक कर देना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ तक मैंने कर दिया। और फिर इसे भी एनिमेट करना है तो यहाँ पे रखिएगा, और डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस कर दीजिएगा, प्लस करने के बाद फ्रेंड्स इसे लेकर आपको इस साइड में स्क्रॉल करना और इसे यहीं तक आपको रख लेना है, ठीक है, इतना पे रख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में आ जाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक लेयर्स वाले ऑप्शन टैप कीजिएगा, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है, सो डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे एक तो PNG मैंने आपको दिया था, तो उस PNG को आपको सिंपली ले लेना है। तो फ्रेंड्स ये वाला PNG ग्रास वाला फ्लावर ग्लास जो है इसे, और इसके लेंथ को भी आपको लास्ट कर देना है परफेक्टली, इस तरह से स्क्रॉल करके इसे लास्ट कर लीजिएगा। अब इसे भी आपको थोड़ा ज़्यादा जूम कर लेना है, और फ्रेंड्स इस साइड में यहाँ पे सेट करना है, ठीक है, एकदम इस साइड में सेट कीजिएगा, और इसे भी एनिमेट करना है तो हल्का सा आगे करके डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, फिर इसे स्क्रॉल करके इस साइड में पूरी तरह से लास्ट तक लेकर आ जाइएगा। तो अभी जब आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर मूव कर रहा है। और फिर आपको स्टार्टिंग में जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, लेयर्स वाले ऑप्शन टैप करना है, मीडियम जाना है, फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है। सो इस डाउनलोड में जाने के बाद ईंट वाला जो PNG आपको मिला है, ईंट वाल वाला जो PNG होता है, ईंट का वाल वाला, तो उसे आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
फिर जब इसे सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसे इस तरह से रोटेट कर लीजिएगा, एकदम सेंटर में बीचों बीच रखिएगा और फिर इसे जूम करके एकदम बराबर में कर लेना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से एकदम बराबर में कर लीजिएगा और फिर इसे किसी भी एक साइड में कर लीजिएगा। जैसे मैं इस साइड में यहाँ पे कर देता हूँ, इतना पीस रखते हैं, ठीक है। और इसे भी एनिमेट करना है तो सबसे पहले इसके ड्यूरेशन को आपको लेकर लास्ट तक कर लेना है, फिर यहाँ पे हल्का आगे करके इतना पे आ जाइएगा, हल्का सा यहाँ पे छोड़िएगा नहीं तो एनिमेट ही नहीं होगा। और यहाँ डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद फ्रेंड्स इसे स्क्रॉल करके दूसरी साइड में परफेक्टली आपको कर लेना है जितना तक आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसे हम इतना तक करते हैं कि सेकंड वाला जो मॉडल नीचे वाला है वो भी दिखे, तो इस तरह से यहाँ तक कर लेते हैं। आप ये इमेज भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, जो गर्ल का नीचे वाला है वो भी कर सकते हैं, या फिर अपना इमेज को यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, यहाँ राइट क्लिक कर लीजिए, लेयर्स वाले ऑप्शन टाइप कर लीजिएगा, मीडियम जाएगा। सो मीडियम जाने के बाद आपको फिर से डाउनलोड में चले जाना है और फिर डाउनलोड में जाने के बाद एक ब्लैक स्क्रीन जो वीडियो मैंने आपको दिया उस वीडियो को सिंपली ले लीजिएगा। देन इसके लेंथ को इस तरह से इसे जूम इस तरह से रोटेट कर और यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। नीचे इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा तो ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और सिंपली इसे स्क्रीन कर दीजिएगा और यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिएगा। तो अभी के लिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और काफी क्रिएटिव लग रहा है, काफी अट्रैक्टिव टाइप का लग रहा है, 3D में मूव कर रहा है और इस तरह के स्टेटस काफी ज्यादा ट्रेंड भी करती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और करनी है तो स्टार्टिंग में आ जाइए, यहाँ ऑडियो वाले ऑप्शन में जाइएगा और फिर सिंपली आपको फोल्डर में चले जाना है। जो सॉन्ग मैंने दिया है आप चाहे तो उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई और सॉन्ग आप यूज़ करना चाहे तो उसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जो सॉन्ग आपको दिया है वो मैं यही है, तो मैं लेकर दिखाता हूँ ये वाला, ठीक है। ये वाला सॉन्ग मैंने यहाँ पे यूज़ किया था तो मैं इसे ले लिया हूँ। देन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो अभी जब इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में और ये इस तरह से मूव करता है। तो उसके बाद स्टार्टिंग में जाइए, लेयर्स वाले ऑप्शन टाइप कीजिए, मीडियम जाइए। उसके मीडियम जाने के बाद फिर से आपको एक बार डाउनलोड में जाना है और फिर से आप बॉर्डर PNG मैंने आपको दिया था उस बॉर्डर PNG को आपको सिंपली ले लेना। ये वाला बॉर्डर PNG मैंने ले लिया, इसके लेंथ को भी स्क्रॉल करके लास्ट तक कर लेंगे, परफेक्टली आप देख सकते हैं लास्ट तक हो गया। देन ट्रिमर के बगल में फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए। अभी राइट क्लिक कर दीजिए, हमारा स्टेटस जो है बनकर तैयार हो चुका है और काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस तरह के स्टेटस वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इस कॉर्नर पर जो एडो देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने दे सेव वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी आइकन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।